ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। ताजा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए टाइम्स 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश, हत्या या आत्महत्या, संशय बरकरार। तेज दुर्गंध आने से मोहल्ले के लोगों को शंका, तत्काल पुलिस को किया गया सूचित। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मामला हमीरपुर जनपद के मौदा उपरोस मोहल्ले का है, जहां एक युवती की संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे में झूलती हुई लाश मिली है। क्योंकि लाश फांसी के फंदे में झूल रही थी, वह मृतक के घुटने जमीन पर रखे हुए थे। क्योंकि लाश इस अवस्था में थी कि देखने वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हत्या है या आत्महत्या। ये जो घटना हुई है, कौन है आप लोग? बड़े भाई हमारे। कैसी क्या घटना हो गई? ये पड़ोसियों से पता चला हुआ कि घर पे आपकी बहुत बदबू आ रही है, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे देखा तो बंदा टंगा हुआ था। हम पहचान भी नहीं पाए कौन है, क्योंकि उस पर कीड़े पड़ चुके थे। फिर हमने पुलिस को इल्तिजा की, वहाँ पे पुलिस आई, फिर उसको जाके पास में जाके चेक किया, तब भी समझ में नहीं आया। फिर रात में बॉडी को उतारा गया और उसकी शिनाख्त की गई, तो कपड़े और मोबाइल से भाई भी लग रहा है। अच्छा, लेकिन बॉडी से अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो क्या आपका भाई क्या करता था? जी, बेलदारी करता था। कितने दिन से आपके घर नहीं आया? 3 दिन से। शनिवार को ये घर से निकला हुआ था कि मैं काम करने जा रहा हूँ बाहर, लेकिन ये आया नहीं। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? पुलिस कह रही है पंचनामा कर दिया उन्होंने और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है लाश को। मृतक के शरीर में कीड़े पड़ गए थे, वह पूरा शरीर गल चुका था, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि यह घटना पिछले 3-4 दिन पूर्व की है। मोहल्ला वासियों का कहना है कि इस घर में पिछले कुछ सालों से कोई निवास नहीं कर रहा है, वह खंडर रूप में पड़ा रहता है। अच्छा, कैसी क्या घटना हो गई इधर? इधर बत्ती गोल थी, सब मोहल्ले के बैठे थे बाहर, तो गंध आई, उससे फिर उसके घर वालों को बुलाया। किसके घर वालों को? मतलब जिसके घर है, मतलब नाम पता किसका घर है? ये मतलब है उनके बहनी के घर है। अच्छा, तो उन्हीं के पास चाबी थी, तो बुलवाया कि भाई देखो जान बारान बात नहीं मारे पड़े, गंदा आ रही बहुत, खाना में खाए उल्टी कर रहा है आदमी। तो फिर बुलवाया तो फिर देखा उसने, उसी गला का मतलब फांसी लगाया। आप लोगों को इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में? कोई जानकारी नहीं। जब गंदा आई तब पता चला? गंदा आई जब पूरे मोहल्ला को पता चल गया। अच्छा, फिर पुलिस आई थी? फिर उसके बाद बिपिन बनिया ने फोन किया पुलिस को, फिर पुलिस आई, फिर अपना लेखा पढ़ी करके ले गए। ठीक। आसाम को अचानक बदबू आने के कारण रहा नहीं गया, तभी देखा कि कोई व्यक्ति उसी खंडर में फांसी के फंदे पर झूला झूल रहा है। टाइम्स 18 न्यूज के लिए हमीरपुर राठ से योगेश साहू की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए टाइम्स 18 न्यूज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की।